राधे राधे दोस्तों, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो सुबह की शुरुआत इस प्यारे से देसी गुलाब के फूल के साथ, ये देख सकते हैं आप। तो इस समय ये बहुत ही खिल रहा है और इसकी कटिंग बहुत लोगों ने कर भी दिया है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग आप कीजिए फ्रेंड्स। तो आज सावन का छठा सोमवार है फ्रेंड्स, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जय माँ गौरा पार्वती की। तो पहले हम थोड़ा सा फूल को देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ही बात करते हैं। तो ये मॉस रोज का टाइम हो गया है खिलने का फ्रेंड्स। तो देखिए पर्सलिन मॉस रोज कितना सारा खिला हुआ है आप देख सकते हैं, और ये येलो कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और वाइट भी। तो पहले हम थोड़ा सा फ्लावर को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कल का खिला हुआ है ये सब, तो थोड़ा सा कुछ आज भी खिले हैं ये सब, और ये कल का खिला हुआ है। तो आप चाहें तो फ्लावर्स को, खिले हुए फ्लावर्स को हटा भी सकते हैं, या तो फिर उसी पे छोड़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सावन के सोमवार के दिन बेल वृक्ष का दर्शन भी कर लेते हैं। देखिए कहते हैं इनके दर्शन मात्र से ही हमें भोले बाबा का दर्शन हो जाता है, तो सभी पौधों का हम दर्शन कर लेते हैं। माँ तुलसी जी का, केले का, आंवले का, नीम का, और भोले बाबा के प्रिय इस बेलपत्र का, और शमी का भी दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि आज अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शमी का एक फूल भी चढ़ा देंगे, तो 100 बेलपत्र के समान एक शमी का फूल, और ये इनका पत्ती होता है, तो इनका भी दर्शन कर लीजिए। नीलकंठ अपराजिता का भी दर्शन कर लीजिए, ये देखिए ये अपराजिता, शंख पुष्पी, नीलकंठ, बहुत सारे नाम हैं। तो नीलकंठ किसे कहते हैं आपको पता ही है, तो भोले बाबा का प्रिय फूल है, और इसे नीलकंठ भी कहते हैं, तो इनका भी दर्शन कर लीजिए। फिर गौ माता का भी दर्शन कर लीजिए, भोले बाबा के प्रिय इस मदार वृक्ष का भी दर्शन कर लीजिए, इसमें भी गणेश भगवान का वास होता है, और ये मदार का पत्ती फूल सभी भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आप मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए ये राख है, ये देखिए, तो ये जो उपले का राख बनता है, गोईठा, उपला, उपरी जो भी बोलते हैं हर जगह अलग नाम से, तो ये वही है। और थोड़ा सा पानी पड़ गया है तो ये इस तरीके से हो गया है। तो इसे आज हम अपने प्लांट्स में डालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सभी प्लांट्स की हमने अपने गुड़ाई किया है, तो इस तरीके से इतना इतना लेके हमें सभी में डालना है। और देखिए चींटियाँ घूम रही हैं, तो एक मुट्ठी हम डाल देंगे, कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, कोई भी इसमें पैसा नहीं खर्चा है, और इसका यूज आप ज़रूर करें राख का। और आपको पता ही है कि गांव में कितना ज़्यादा अभी भी राख का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए कितनी चींटियाँ घूम रही हैं, हल्दी को भी मैंने डाला था, और गुड़ाई सभी प्लांट्स की मैं आजकल अपने कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने सभी गमले में डाल देना है, जैसा कि देखिए आप सभी की मैंने गुड़ाई किया है, और सभी में डाल देना हमें। तो ये एक राख जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है ये,
तो आप इसे अपने सभी गमलों में आराम से डाल सकते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो। तो इस राख का यूज आप ज़रूर करें अगर आपको मिल जाता है। हमारे तो बगल में तबेला है तो हमें मिल जाता है, हमेशा वो लोग फेंक ही देते हैं और जब हमें याद पड़ता है तो मैं ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें डाल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ज़मीन में ही कल डलवा दिया था, तो वहीं से मैं ले लेती हूँ। और ये देखिए, तो कोयले का भी आप ले सकते हैं राख, और ये तो उपले का है, ऊपरी का है, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इस तरीके से, चलिए हम आपको बताते हैं, इस तरीके से हमें लेना है। और जैसे ये हमारा गुड़हल का प्लांट है, इस पर कीड़ा लग रहा है, तो इस पर हमें इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से, तो इस पर जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सभी पे आप डाल दीजिए, छींट दीजिए। और जैसे ये मूली है तो इसमें भी हम डाल सकते हैं, ये अभी छोटा है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें अपने सभी प्लांट्स में। ये देखिए हमारा ये बॉल्सम है, तो इसमें भी हम डाल देंगे। यानी कहने का मतलब है कि सभी में हमें डालना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो राख का यूज आप ज़रूर करें। देखिए मैं गुलाब में, सभी में डाल रही हूँ, और सभी प्लांट्स की मैं आजकल अपने गुड़ाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और ज़्यादा है तो फ्रेंड्स एक ही दिन तो करना नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम सभी प्लांट्स में राख को डाल देंगे, और इस तरीके से ऊपर भी थोड़ा थोड़ा छींट देंगे राख को, और एक दो दिन रहने देंगे। उसके बाद हम फिर पानी से, आप चाहें तो धुल भी सकते हैं। तो ये जो राख है ना फ्रेंड्स, ये जो राख का गोबर का जो उपला बनता है उसी का राख है, और चाहे तो आप लकड़ी का भी बना सकते हैं। शहर में तो अगर नहीं मिलता है तो कई लोगों ने, मैंने देखा है कि लकड़ी से भी बनाते हैं, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने सारे प्रोटीन हैं, कैल्शियम है हमारे प्लांट के लिए। तो बात कर रही थी मैं फ्रेंड्स इसके प्रोटीन की। तो ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है राख जो है, इसके बारे में जितना भी बताऊंगी कम ही है। तो पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, जितना भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे इस राख में हैं। और इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर दीजिए, देखिए इस तरीके से, तो जो कीड़े रहेंगे वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस गुड़हल को छिड़क रही हूँ और इस पे काफ़ी चींटियाँ घूम रही हैं, तो इस पे डालना ज़रूरी है। और किसी भी प्लांट पे आप डालेंगे फ्रेंड्स तो ये नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक ज़ीरो कॉस्ट वाला फ्री का फर्टिलाइज़र है, जो कि ज़्यादातर सभी जगहों पे ये मिल जाता है। और गांव में तो अभी भी इसी का यूज लोग करते हैं ज़्यादातर। ये देखिए इस तरीके से हमें छिटना है, डालना है, क्योंकि प्रतिदिन गांव में ये राख निकलता ही रहता है। तो सब्जियों पे आपने देखा होगा कि गांव में अभी भी कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि वो लोग राख का यूज ज़्यादा करते हैं। और हम लोग जो हैं शहर में तमाम सभी तरह के फर्टिलाइज़र मंगवा के डालते रहते हैं, तब भी जो कीड़े हैं फ्रेंड्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए मैं, देखिए गुड़हल सारे कैसे ख़राब हो रहे हैं, नीम ऑयल ये वो डालते रहते हैं, तो इससे अच्छा कोई भी पेस्टिसाइड फंगिसाइड नहीं है। तो इसका आप लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। और ये देखिए अभी मैं एक दो दिन ऐसे ही छोड़ दूँगी,
थोड़ा सा ये गीला हो गया इसलिए ऐसा कलर दिख रहा है, और नहीं तो बहुत ही अच्छा था। और मिट्टी में भी हम इसे डाल देंगे फ्रेंड्स, लिक्विड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में डाल दीजिए उसके बाद आप पानी को दे दीजिए, तो एक ही बात हो जाएगी, मिट्टी में डालिए या तो फिर इसको लिक्विड बना के डालिए। तो मैं तो बस ऐसे ही इसके ऊपर भी डाल रही हूँ और ये देखिए मिट्टी में भी डाल रही हूँ, और इस तरीके से आप इसका राख का इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो आप ज़रूर यूज करें, और सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है कि किस प्लांट में डालना है किस में नहीं डालना है, ये सब बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर वेजिटेबल्स में ज़रूर डालिए इस राख को। तो कल से ही मैंने रखा था लेकिन ये थोड़ा गीला हो गया, और चलिए इधर भी जितने भी गुड़हल हैं सब में मैं डाल दूँगी, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से प्लांट्स में भी हमें डालना है और मिट्टी में भी डालना है। तो लगातार अगर इसका हम एक एक हफ्ते पे यूज करें फ्रेंड्स तो ये सारे कीड़े को मार देगा, लेकिन यूज नहीं करते हैं हम, लापरवाही कर देते हैं और बाहरी चीज़ ले लेके डालते रहते हैं जिसका कोई भी रिजल्ट अच्छा हमें नहीं मिलता है फ्रेंड्स, कीड़े फिर आ ही जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे प्लांट्स जो हैं क्यों ख़राब हो रहे हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए हम मिट्टी में भी डाल देंगे, तो चलिए, और इसे हम फ्रेंड्स अपने इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, सभी में डाल सकते हैं, ये नहीं कहना है किस में डालना है किस में नहीं डालना है, बस मात्रा थोड़ा हमें देख के डालना है कि कैसा हमारा प्लांट है, बड़ा है छोटा है, इस तरीके से देखते हुए हमें डालना है, और कोई भी प्लांट हमारा ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स, ये जो राख का फर्टिलाइज़र है। और कोयले का तो मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ से गोबर का ही ज़्यादा मिलता है, बगल में हमारे तबेला है तो वो लोग जलाते हैं तो हमेशा फेंक देते हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मुझे दे दीजिए तो ला के वो दे देते हैं, तो कई बार तो क्या होता है रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। अब ये देखिए कल ही से आया था, थोड़ा पानी पड़ गया है तो इस तरीके से हो गया है। तो ये जो चींटियाँ हैं ना फ्रेंड्स इसीलिए घूमती हैं, हम लोग जो इसका केयर नहीं करते हैं, और हल्दी को मैंने डाला है तब भी घूम ही रही हैं। और ये देखिए इस तरीके से हम लेके अपने इस गुलाब पे भी ऐसे डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से डाल देंगे गुलाब पे भी, तो जो गुलाब की पत्तियाँ को कीड़े खाते हैं तो वो नहीं खाएंगे, ये देखिए इस तरीके जो कीड़े खाए हैं तो नहीं खाएंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से देसी स्टाइल में कोई भी स्प्रे नहीं, कोई भी वो नहीं, ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी में उठाएंगे, और कोई भी स्प्रे बॉटल में लिक्विड करके नहीं डालना है हमें, बस देसी स्टाइल में फ्रेंड्स हमें ये देखिए इस तरीके से डाल देना है। तो हमने तो बचपन से ही देखा है इसका इस्तेमाल करते हुए, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं यूज करते हैं, और हमें हमेशा फ्रेंड्स मिट्टी से और राख से जुड़े ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम मिट्टी से राख से जुड़े रहेंगे ना तो हमें ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिट्टी से और राख से हमें एकदम जुड़े ही रहना है फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए मैं यहीं से इस तरीके से डाल दे रही हूँ, और ये अरबी लगाया है, मूली है, इधर पालक के सभी में ये डाल दीजिए, कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अब अगला देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स राख को मैंने डाल दिया और हाथ को भी इसी में धुल लिया, तो ये देखिए ये फर्टिलाइज़र देखिए, तो ये चने का मूंग चने का पानी है, और बनाना ओनियन गार्लिक चिल्ली इसका ये फर्टिलाइज़र है। तो दो दिन भी हो कि मैंने रखा था, और चने को तो ओवरनाइट भी हुआ था, और पानी इसमें मिला के, तो कई लोग इसको
जो राख है लिक्विड बना के डालते हैं। तो अब देखिए मैं राख को डाल दी हूँ और गुड़ाई भी किया है और गमला देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है। तो अब मैं इसमें पानी को, इस फर्टिलाइज़र को, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र को डाल दूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए जो जो प्लांट सूखा हुआ है उसी में देख देख के हमें डालना है। और कई लोग इसका लिक्विड बना के भी डालते हैं, लेकिन देखिए मैं चेक करके ही डाल रही हूँ कि कौन सा सूखा है। तो ये वाला वाइट गुड़हल सूखा था। और इस तरीके से मैं हर दो दिन पे, तीन दिन पे फर्टिलाइज़र बना के डालती हूँ। और इस समय तो सभी के घरों में फ्रूट आते ही रहते हैं और इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। और करीब 3 लीटर हमारा ये फर्टिलाइज़र था और उसमें मैंने इतना सारा बनाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आज ये 2 फ्री का, 0 कॉस्ट का फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को दे रही हूँ। और देखिए जो जो सूखे हैं उसी में दूंगी, जैसे कि ये सूखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट्स का ध्यान देना है, बाकी तो हमें ये अच्छा रिजल्ट देंगे ही। ये देखिए अब गुड़ाई हमने किया है फ्रेंड्स सभी प्लांट्स की। और इस तरीके से देख देख के हमें डालना है, जो सूखा है उसी में हम देंगे, सभी में नहीं देंगे। और जो राख बचा है उसे भी हम डाल देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये भी सूखा हुआ है, इसमें भी हम डाल देंगे। तो ये दोनों ही फ्री के हमारे फर्टिलाइज़र हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो हमने डाल दिया और फिर कल नहीं परसों फिर ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें फ्री का फर्टिलाइज़र बनाना है ऑर्गेनिक, और अपने सभी प्लांट्स को दे देना है। और देखिए ये हमारा मूली वगैरह भी जम गया है, ये अरबी भी देखिए जम गया, और इन सब पे भी हम राख को छिड़क देंगे। देखिए सारे के सारे निकल रहे हैं। और गुलाब पे भी हमें छिड़क देना है क्योंकि उसमें कीड़े लग रहे थे फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरा हल्दी है, अपने से जमा हुआ है क्योंकि मैंने इसे पिछले साल जो उखाड़ा था, और 1-2 रह जाते हैं फ्रेंड्स ना, तो ये वही वाला है। तो बस आज मुझे इसी पे बात करना था फ्रेंड्स। और आज सावन का 6ठा सोमवार है, तो जो लोग पूरा नहीं रहेंगे तो 2 भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो इस बार बहुत दिन के बाद पड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं सब रह जाती हूँ, दवा वगैरह खाती हूँ उसके बावजूद भी। और ये देखिए अभी सब थोड़े थोड़े अब निकल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत छोटे छोटे से निकले हुए हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स फ्री का फर्टिलाइज़र आप बनाइए और अपने पौधे को दीजिए। और मैं भी यही सब डालती रहती हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। और देखिए कितने सारे और अमरूद भी फ्रेंड्स, अभी मैं इस राख को डाल दूँगी। ये देखिए अभी उतना सारा मैंने आपको दिखाया है कि रखा हुआ है, तो इतने सारे हैं कि अभी तुरंत डालना संभव नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और ये देखिए ये पॉट खाली है, तो इसे मैं अब शाम को लगा दूँगी फ्रेंड्स। तो सभी प्लांट्स पे आप डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सभी प्लांट्स पे डाल दीजिए आप। और इस सूप प्लांट